मामी बर्तन धुल रही है, ठीक है, हाय बोल रहे, हाय हैप्पी दिवाली। ये भी है, नानी खाना खा रही थी। नहीं नहीं, गढ़वाली में भी बोलो हैप्पी दिवाली, बोलो गढ़वाली में नमस्ते नमस्ते, हैप्पी दीपावली। ये गढ़वाली दिवाली का आप लोगों को हार्दिक शुभकामना। तो देखो गाइस, मेरी खिड़की से सूरज दिख रहा है। हेलो गाइस, जय श्री राम। लेटे लेटे बोल रही हूँ, अरे वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी बिजलवन ब्लॉग्स, और हैप्पी दिवाली। तो आज है बड़ी दिवाली, छोटी दिवाली तो कल हो गई है, तो मैं तो उठ गई हूँ जल्दी आज, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करनी थी रात में, तो मैं सो गई, मुझे पता भी नहीं चला। तो अभी उठ के सुबह सुबह मैंने वीडियो देखो, अभी बाहर ये लाइट दिख रही है ना आपको, अंधेरा ही हो रखा है अभी, तो मुझे वीडियो एडिट करनी थी, तो मैंने वीडियो एडिट करी, अभी अपलोड पे भी लगा दी मैंने वीडियो। तो फिर मैंने सोचा चलो आज तो बड़ी दिवाली है, तो आज ब्लॉग क्यों ना बनाया जाए। तो अभी घर में कोई नहीं उठा है, ठीक है, मुझे तो ब्लॉग के लिए वो वीडियो एडिट करनी थी, तो मैं उठ गई। अब वैसे भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ। ऐसा हुआ कि परसों मुझे एक अंकल जी मिले, मैं कुछ सामान लेने हमारे पड़ोस में ही रहते हूँ, पहले ही हमारे जो दूसरा घर था, पहला घर था, वहाँ पे भी वो हमारे पड़ोसी थे, अभी भी वो हमारे पड़ोसी ही हैं। तो वो 90 साल के हैं, ठीक है, अपना तंदुरुस्त चलते फिरते हैं, देखते हैं, जो भी है, हर हर महादेव है उनका तो नारा, हर हर महादेव। तो अंकल जी समझा रहे थे, समझा भी रहे थे, बता भी रहे थे कि बेटा मुझे 90 साल हो गए, कि मोदी सही बोलता है कि इंडिया में जो गरीब की परसेंटेज है ना वो 30% है, वरना जो बाकी 70% लोग हैं वो अपना अच्छे से खा पी रहे हैं, कि कमी किसी को नहीं है। और मैंने इतने 90 साल में पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, अब मैं देख रहा हूँ कि हर घर में लोगों के लाइट लगती है, सब खा रहे हैं पी रहे हैं, कि ऐसे मैंने कभी नहीं देखा था कि हर किसी के घर में लाइट लग रही है, ये वो सो। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बेटा अगर तुम सुबह जल्दी उठ गए तो तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तंदुरुस्त रहोगे। और देखो मुझे देखो, कि मैंने कभी सुबह जल्दी उठना नहीं छोड़ा, कि कुछ भी हुआ मैं सुबह जल्दी उठा। और यहाँ हम ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा सर दर्द हो गया, मम्मी लेट ना है, सर दर्द हो रहा है, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उनके पास सुन के कि बेटा बहुत आगे भी जाओगे। तो कहीं ना कहीं हमें बड़े लोगों की भी बात सुननी चाहिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बड़े लोगों की बात सुनना। मैं तो हमेशा अपने साथ वालों के साथ बूढ़े वाली कैटेगरी में ज़्यादा रहती हूँ, क्योंकि ना उनसे हर कुछ सीखने के लिए मिलता है मुझे। जैसे अपनी दादी है, मेरी दादी हैं जो, अपनी दादी, और तो मैं उनके पास भी इसलिए जाती हूँ कि दादी कुछ ना कुछ बातें सिखाती है, क्योंकि वो लोग बूढ़े हैं यार। तो मतलब आप समझ रहे हो, 80-85 साल के लोगों का एक्सपीरियंस किस लेवल का हो सकता है, उन्होंने क्या क्या नहीं देखा होगा, अभी हमारी स्टार्टिंग है। तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग जल्दी सुबह उठिए, और जिसको पूजा करनी है पूजा पाठ करिए, नहाइए जिसे नहाना है उसे नहाइए, और हनुमान चालीसा पढ़िए, मेडिटेशन करिए। आज के टाइम पे मेडिटेशन बहुत 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 ज़रूरी है। तो हमारे जो लंग्स है ना, उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत। आपके अंदर क्लीनिंग होगी उस मेडिटेशन से। मतलब मेडिटेशन मुझे इसलिए ज़रूरी लगता है कि आपकी जो सांस लेने की क्षमता है ना, वो थोड़ा इंक्रीज होगी, क्योंकि मुझे खुद पता है कि मैं ऐसे लेती नहीं हूँ, ऐसे कभी लंबी सांस लेती नहीं हूँ, अपने अंदर मुझे कभी फील नहीं होता है कि हाँ। तो फिर जब से मैंने मेडिटेशन शुरू करा है, तो मुझे थोड़ा सा फ़र्क भी पड़ा है, काफ़ी दिक्कतें होती थी अपने को बीच में, तो अभी टच वुड सब कुछ तो नहीं, पर हाँ ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें ठीक हो गई हैं, और तो कुछ नहीं। तो आज दिवाली है,
मम्मी उठी नहीं अभी तो, मम्मी ने कल बहुत सारा काम किया, मम्मी भी बहुत ज्यादा थक गई होगी अभी, इसलिए मैं अभी मम्मी को उठाने नहीं जा रही, वरना तो मैं मम्मी मम्मी करके मम्मी के पास चली जाती अभी। तो फिर कल हमने क्या करा, पूरे दिन भर मेरी छोटी बहन और भाई ने, सबसे छोटी बहन भाई ने घर में पूरा लड़ी लगाई, हमने परसों लगा दी थी लड़ी, पर हमने क्या करा, मेरा भाई दिल्ली से लेके आया लड़ियाँ, ठीक है, बहुत अच्छी हैं, कलर इतना अच्छा दे रहा है ना, मतलब लुक इतना अच्छा दिया है ना उसने घर का, उसने दोनों ने मिलके लड़ियाँ लगाई, ठीक है। मम्मी ने भी हेल्प करी, मम्मी ने कपड़े धुले बहुत सारे, मैंने झाड़ू पोछा मारा, और मैंने क्या करा, खेत में थोड़ा सा घास भी था, घास साफ किया, फूल के बगल में बहुत सारा घास हो रहा था, वो घास साफ किया, और जो मुझसे जो छोटी है उसने कढ़ी चावल बनाया, बर्तन धुले, उसने दो तीन टाइम के बर्तन धुल दिए थे उतने टाइम में, फिर हम सब ने साथ में मिलके खाना खाया था, तो मैंने सब वीडियो में डाला हुआ है ये। और फिर क्या, रात में हमने अपनी सिस्टर को बोला तो अपने स्टाइल का पनीर बना, तो उसने लबाबदार पनीर बनाया था, मस्त हो रहा था। और आजकल तो मैं दो रोटी के बदले तीन रोटी खा रही हूँ करेले की सब्जी में, पनीर की सब्जी में नहीं खाई मैंने तीन रोटी, मैंने करेले की सब्जी में तीन रोटी, करेले की सब्जी मुझे बहुत पसंद है, मुझे नहीं पता और लोगों का, करेला हो गया, लौकी की सब्जी हो गई, और कौन सी सब्जी पसंद है मुझे, और अभी याद भी नहीं आ रही है मुझे, शिमला मिर्च नहीं अच्छी लगती मुझे, शिमला मिर्च सिर्फ मुझे टॉपिंग्स में अच्छी लगती है, और मशरूम नहीं पसंद मुझे, दूसरा अब नहीं पसंद, पहले बहुत अच्छा लगता था, अब पता नहीं क्यों पसंद नहीं है, मशरूम नहीं पसंद मुझे, मूली होती है ना, मूली नहीं पसंद मुझे, मूली की सब्जी नहीं पसंद, पर मूली के पराठे मुझे बहुत पसंद है, हम लगा रखी है अपने खेत में मूली, तो उससे फिर मम्मी अब पराठे बनाए कि सर्दी आ गई ना, पराठे खाने का टाइम हो गया, नहाने जा रहा है, क्या ये देखो मेरा ब्रेसलेट कितना मस्त लग रहा है, ये देखो ये ना राखी है ये, इसको इसलिए मैंने रखा हुआ है क्योंकि जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है ना, तो गोवर्धन पूजा में गाय की पूंछ में बांधते हैं इसे उस दिन, तो ये मैंने उस दिन के लिए रखा है। और ये लाल धागा तो इसलिए रखा है क्योंकि पंडित जी ने बोला था हाथ में लाल धागा पहनने के लिए, उन्होंने बोला था मेरे को ना, तीन लोगों ने बोला है, तीन जैसे एक पंडित जी, दो सन्यासी होते हैं ना, जो सन्यासी मतलब समझ रहे हो बाबा जैसे होते हैं जो, तो उन्होंने बोला था कि बेटा काजल लगा के रखा करो, तो मैंने उस टाइम पे काजल पहले से ही लगाती थी, पर मैंने काजल लगाना शुरू कर दिया था अब, लेकिन मैंने काजल लगाना बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल मैं लगाती ही नहीं क्योंकि मेरे डार्क सर्कल इतने ज़्यादा हो गए ना, कभी कभी जब तबीयत ठीक नहीं होती तो वो और ज़्यादा दिखते हैं, तो और मेरा फेस भी इतना ऐसे डल हो चुका है ना, मतलब जिस दिन ठीक हो जाऊंगी मैं पूरी, शायद उस दिन वो डलनेस चली जाएगी, अभी ठीक नहीं हूँ काफ़ी टाइम से, 4-5 महीने हो गए मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग से मेरा माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट रहता है, मैं चीज़ें नहीं वो करती हूँ कि हाँ चलो ठीक है ठीक है, तो अच्छा भी लगता है मुझे ब्लॉग बनाते हुए, बाकी और कुछ नहीं, अब उठती हूँ और क्या करूँगी, उठ के कुछ भी नहीं करूँगी, देखती हूँ वीडियो अपलोड होगी तो, क्योंकि ना देखो आज तो रंगोली बनेंगी, आज पूरे दिन भर रंगोली बनेंगी, तो गाइस मिलते हैं फिर, बाय बाय। तो देखो गाइस मेरी खिड़की से सूरज दिख रहा है, और ये देखो सूरज भी निकल चुका है। मम्मी आप नहा लिए हैं? झूठ बोल रहे? झूठ क्यों बोलूं, सुबह सुबह नहा लिया आपने? आपने ऐसे कपड़े भी पहने फिर? तो क्या करूं, साड़ी पहन के बैठ जाऊं? नहीं तो अच्छा सा कपड़ा पहनते, सूट पहनते। अच्छा आपको तो अभी नाश्ता बनाना है ना। देखो गाइस मम्मी तो उठ गई, पूजा के बर्तन धुल रही है, हमारी पूजा रेडी है आज के लिए। बोलो जय श्री राम। तन्नो उठो उठो, अबे उठ जाओ बे, तन्नो मेरी प्यारी बहन।
दीदी मत कर मेरे को शर्म। अबे 10 बज गया तो तू उठ जा चुपचाप से। डर लग रहा है? डर इसको पटाखों से बहुत डर लगता है। देखो कैसे बैठी, इसे तो अभी ठंडा लग रहा। एक महाराजा इधर सो रखा है टेढ़ी गर्दन करके। हवा चल रही है, हवा आजा 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 आजा। ये देखो ये देखो ये देखो यार, सुबह सुबह तू फुट ए, तूने पटाखा फोड़ा? अबे यार टिप्सी आई थी बड़ी मुश्किल से टॉयलेट करने के लिए, अंदर भाग गई वो टिप्सी। शाम को फोड़ लेता पटाखे। ये देखो गाइस चिड़िया देखो सारी बैठी है यहाँ पे, क्या खा रही होंगी यहाँ पे? कीड़े कीड़े मिल रहे? अच्छा नहीं, दाल मिल रही, केले का पेड़ है ना यहाँ पे। ये देखो ये देखो आवाज सुन रहे इनकी। ये खेत है देखो, मिर्चियों के पौधे भी बड़े हो गए हैं। ये मेथी है, पालक पालक, वो धनिया है, ये राई है, ये भी राई के पत्ते हैं, ये अपना फेवरेट पौधा फूल। ये देखो अलग अलग कलर हो रखे हैं इसके अभी एक साथ, मस्त मूड सही हुआ है इस बार इनसे। और ये हमारा लहसुन है जो मम्मी और मैंने मिलकर लगाया था, देखो इनमें भी कलियां निकल गई हैं काफ़ी। और ये तो हमने अभी तक निकाला ही नहीं है, ये मेहंदी का पेड़। और सूरज ये देखो, कौवे, हवा चल रही यार ठंडी 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 ठंडी। एक गुलाब का फूल देखो बड़ा भी हो गया। ये ना मैं चमोली से लेके आई थी, चमोली गाँव है उत्तराखंड में, एक जिला भी है, जिला बोलते हैं। ये गुच्छे वाला गुलाब है पता आपको, पर ये अभी बड़ा नहीं हुआ है ना, अभी ये बेबी है बेबी। ये देखो ये आंटी का घर है, हमारी पड़ोस में आंटी हैं उनका घर है। और ये देखो ये पूरा ये हमारा घर है। हेलो गाइस, तो मम्मी और मैं तो रेडी हो गए ठीक है, पर मुझे अपना ये आउटफिट पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं नाश्ता वाश्ता करके फिर अपना चेंज करूँगी आउटफिट। तो मैंने पूजा कर ली है और जल भी चढ़ा दिया, हनुमान चालीसा पढ़ ली, मेडिटेशन कर लिया, तो ये सब टोटल मेरा जो है 1 घंटा लग जाता है इन सब में मुझे। तो अभी सिर्फ मम्मी और मैं ही नहाए, बाकी सब सो रहे हैं, उनको उठा भी दिया था फिर भी अभी तक सोए हैं। और टाइम कितना हो गया, इनको मैंने बोला है रंगोली बना लो, 8:15 हो गया, कोई उठा ही नहीं है। वैसे उठ गए हैं सब, अपना अपना फ़ोन चला रहे हैं लेटे लेटे। तो बस अब तो फिर एकदम से नहाने के बाद तो नाश्ता करने का मन करता है मेरा, तो मेरा टोनर ही नहीं मिल रहा है, तो मुझे ये मॉइस्चराइज़र ही लगाना पड़ रहा है। अपनी चीज़ें मैं संभाल के रखती हूँ, मेरे भाई बहन छेड़ते ना चीज़ें इधर उधर चली जाती हैं, रख देते हैं इधर उधर। दिवाली का ग्लो अलग ही दिख रहा है। लोग सुबह सुबह के पटाखे फोड़ते हैं यार, सुबह सुबह क्या फत जाती है पटाखे फोड़ने की, उठ रहे होते हैं लोग, शांति चाहिए होते हैं, बटांग बटा रात में कर लेना। तो ओके गाइस, आज मम्मी सवाले बना रही है नाश्ते में। सवाले ये होता है दाल की रोटी पूड़ी टाइप ऑफ, मतलब हमारे पहाड़ में यही बनता है दिवाली के टाइम पे, दिवाली के दिन सवाले तेल में तल के, दाल होती है लोबिया की दाल होती है उसको पीस के, इधर संटू बोला जाता है उसे,
और लोबिया की दाल को सिलबट्टे में पीस के और फिर उसमें मिर्ची मसाले जो भी होते हैं डाल के फिर खूब ऐसे मोटा गोला बना के रोट आटे का उसमें भर के फिर तेल में तलते हैं खूब और घी के साथ खाते हैं। बहुत मस्त लगता है, बहुत घी के साथ तो बहुत यम। दिखाती हूँ मैं फिर आज तो ओके गाई सभी के लिए बाय बाय। अरे फ्लैश चल रहा है वैसे तो। मम्मी ये क्या है, कौन सी दाल है यार, हम इसको आज ही के दिन क्यों बनाते हैं पता है आपको? दाल तो चाहे कोई भी बन ले कोई बात नहीं, पर हम लोग ये तो अच्छा मतलब है एक मतलब वो जो पूरी यानी स्वाद भरी भरिया स्वाद होना ना वो और दालों से बढ़िया हुआ तो हम एक उनके बोलते हैं सुंट वन हिंदी नाम से लोबिया। हाँ सुन रहे, ये तन्नू ने लगा दिया है सुबह दीपावली, हमने किचन में लगाया क्योंकि किचन में कुछ नहीं लगा था तो मम्मी ने ये तैयार कर दिया है दाल की, क्या बोलते हैं मम्मी इसको, मिक्सचर मसाला डाल दिया क्या आपने? मसाला सब डाल, नमक की तो खुशबू आ रही है। मसट 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 बोलते हैं गढ़ वाली में, मसट अब मसट मसट हाँ मसट। तो देखो गाइस यहाँ पे रंगोली बनाने की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और किरण बना रही है रंगोली, मैं भी बनाऊंगी थोड़ी देर बाद, अभी मेरा नाश्ता किया है तो मुझे रेस्ट करना है थोड़ा सा। भाई किरण तो कतई मेहनत करती, किरण पर तेरा दिया टेढ़ा हो गया। मैं नहीं करती सीधा, यहाँ देखो मैंने ये पैर बनाए लक्ष्मी जी के, 8 पैर बनाए हैं कम से कम नीचे बनाने, पर ये मस्त बनाई है किरण ने, ये देखो मस्त लग रही है ना। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपनी नानी के यहाँ, ये देखो मैं तो ऐसे ही जा रही हूँ, मैं पास ड्रेस व्रेस तो है नहीं कुछ अभी के लिए, मन भी नहीं कर रहा पहनने का। नानी के जा रहे हैं दिवाली की मिठाई देने और नानी से मिलने भी। मामी बर्तन धुल रही है ठीक है, हाय बोल दे, हाय हैप्पी दिवाली। ये भी है नानी खाना खा रही थी। मामा नमस्ते, हैप्पी दिवाली बोलो मामा, हाथ जोड़ के गढ़वाली में बोलो, बोलो गढ़वाली में बोलो। बैठी है तब तो बोल रही है, तब तो उसको खा दी गई उसमें से? नहीं 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 नहीं, गढ़वाली में भी बोलो हैप्पी दिवाली बोलो गढ़वाली में। नमस्ते नमस्ते, हैप्पी दीपावली। ये गढ़वाली दिवाली आप लोगों का हार्दिक शुभकामना ऐसे